कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उत्तर दक्षिण से जुड़ी टिप्पणी और G23 गुट की लगातार अनदेखी से पार्टी के भीतर असंतोष है। और वहीं जम्मू से शनिवार को G23 गुट के सदस्य अपनी ताकत दिखाने के साथ ही पार्टी नेतृत्व के खिलाफ कड़ा संदेश देंगे और इसके लिए उत्तर भारत से जुड़े कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के साथ आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल और राज बब्बर यहां पहुंच चुके हैं। बता दें आपको कि आज विवेक तनखा के साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी आदि ऐसे नेता पहुंचेंगे। वहीं सूत्रों के अनुसार बता दें आपको कि पार्टी हाईकमान को भी G23 बैठक की सूचना है, वे अभी बैठक पर निगाहें लगाए हुए हैं। वहीं सूत्रों ने बताया कि G23 गुट के सदस्यों की बैठक राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता रह चुके गुलाम नबी आजाद के आवास पर हो सकती है और वहीं सदस्यों को आजाद के आवास पर ही बुलाया गया है। बैठक में कांग्रेस में लोकतंत्र बहाल करने की मुद्दों पर भी चर्चा होगी। खास बात यह है कि अब यह बैठक राहुल गांधी के बयान से नाराजगी के तौर पर है। बता दें आपको कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उत्तर दक्षिण से जुड़ी टिप्पणी और G23 गुट की लगातार अनदेखी से पार्टी के भीतर असंतोष है। और उस बीच जम्मू से शनिवार को G23 गुट के सदस्य अपनी ताकत दिखाने के साथ ही पार्टी नेतृत्व के खिलाफ कड़ा संदेश देंगे और इसके लिए उत्तर भारत से जुड़े कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के साथ आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल और राज बब्बर यहां पहुंच चुके हैं। आपको जानकारी दे दें कि आज विवेक तनखा के साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी आदि नेता यहां पहुंचेंगे। वहीं सूत्रों के अनुसार पार्टी हाईकमान को भी G23 बैठक की सूचना है और वे भी बैठक पर बहुत ज्यादा निगाहें लगाए बैठे हैं। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रविंद्र श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। रविंद्र, जैसे कि कांग्रेस के G23 गुट की आज जम्मू में बैठक है और उस बीच आज लोकतंत्र बहाली का मुद्दा उठ सकता है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, कहीं जिस तरह से राज्यसभा से सेवानिवृत्त होने के बाद कांग्रेस की जो आला कमान है उन्होंने कोई मौका नहीं दिया उनको, तो ऐसे में जो गुट नाराज चल रहा है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से, उसकी आज बैठक होने जा रही है जिसको नाम दिया गया है G23। उसकी बैठक आज जम्मू में होगी। हालांकि ये एक निजी कार्यक्रम भी है कि एनजीओ जो है जो जिसके अध्यक्ष खुद गुलाम नबी आजाद है वहां पर एक कार्यक्रम होगा, लेकिन जो जो कांग्रेस के बड़े नेता है कहा जाए, खासकर के आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, राज बब्बर और विवेक तनखा के साथ साथ मनीष तिवारी जो है वो भी यहाँ पहुंच हुए हैं और उनकी बैठक जो है वो गुलाम नबी आजाद के घर पर होनी है, तो इस पर जो है लोकतंत्र बहाली का मुद्दा जो है वो उठेगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं, जो राहुल गांधी ने बयान दिया था कि पिछले 15 सालों से की अगर बात करें तो गुलाम नबी आजाद ने किया क्या है कांग्रेस के लिए, तो इसी बात रविंद्र आपसे जानना चाहेंगे कि इस बैठक में कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं। जी देखिए, जैसे मैंने पहले बताया है कि इस बैठक में आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, राज बब्बर और विवेक तनखा हुड्डा और मनीष तिवारी जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इनकी बैठक जो है वो होने जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। बता दें आपको कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उत्तर दक्षिण से जुड़ी टिप्पणी और G23 गुट की लगातार अनदेखी से पार्टी के भीतर काफी ज्यादा असंतोष है। और उस बीच आपको ये भी बता दें कि इसके लिए उत्तर भारत से जुड़े कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के साथ आनंद शर्मा यहां पहुंच चुके हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।